सचिन नायब सैनी का बयान आया सामने। ईडी है स्वतंत्र एजेंसी, अपने हिसाब से करती है काम। आगे कहा कि जो गलत काम करेगा वो अंजाम भुगतेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा अपने बापू से मांगे हिसाब। सीएम ने आगे कहा कि एक पौधा माँ के नाम मुहिम की शुरुआत की। राधा स्वामी सत्संग घर में 2000 पौधे लगाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा ईडी को लेकर के दिया गया बयान, तो सीएम नायब सैनी के बयान पे उन्होंने कहते नजर आए कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपने हिसाब से ईडी काम करती है। सीएम नायब सैनी का यह बयान आया सामने। ईडी स्वतंत्र एजेंसी, अपने हिसाब से करती है ईडी काम। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। दीपेंद्र हुड्डा अपने बापू से मांगे हिसाब। सीएम नायब सैनी का ये बयान, तो उन्होंने कहा ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपने हिसाब से ईडी काम करती है। ईडी करती है अपने हिसाब से काम। सीएम ने कहा जो गलत काम करेगा वो अंजाम भुगतेगा। काम कर रही है वो, उसके ऊपर किसी का ना दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। उसको जहां लगता है कि यहां पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई। दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं। वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु वो अपने कार्यकाल, जो 10 साल का कार्यकाल वो रहा है, उसके बारे में भी वो बताने का काम ये कांग्रेस के लोग करें कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या हालात होते थे। 3 दिन के अंदर एक गैस का सिलेंडर इनके कार्यकाल में मिलता था। किस तरीके से नौकरियां बिकती थी, किस तरीके से गर्मी के समय के अंदर बिजली मात्र 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मिलती थी। क्या हालात थे, किस प्रकार की स्थिति थी। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर राहगीरी कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है और इसके साथ ही सीएम ने साइकिल चला लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कुरुक्षेत्र में 5100 लोगों ने पौधारोपण किया। प्रदेश में मानसून सीजन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, क्योंकि इससे न सिर्फ शुद्ध वायु मिलती है। इसके अलावा उन्होंने ईडी द्वारा कार्यवाही पर कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी, वो कानून के मुताबिक काम कर रही। हाल के अंदर सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे। तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम है यहाँ, राहगीरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का, पौधा देने का काम भी हुआ है। हर बच्चा एक एक पौधा लगाए। और एक विजन था कि हम जो हमारा माता जन्म देने वाली, जो हमारी माँ जन्म देने वाली है, हम उसकी देख रेख करते हैं। उसी प्रकार से हम जो हमारी माँ, ये भारत माता जो हमारा पालन पोषण करने वाली है, इसको भी हम सुरक्षित रखें, इसको भी हम ठीक रखें। उसके लिए ये जरूरी है कि हम पौधे लगाएं, ये संकल्प लें। देखिए वो ईडी का मामला है, जहाँ पर भी कोई गलत होगा तो काम अपने आप कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे से ना पूछा जाता है, ना हम उसके अंदर कोई इंटरवीन करते हैं, क्योंकि वो उनका मामला है। जहाँ कोई गलत